अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़ॉन ब्यूटी हॉल। जी हाँ, इसके अंदर मैंने कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट भी मंगाए और साथ ही साथ मेकअप के प्रोडक्ट भी मंगाए और अफोर्डेबल रेंज में। और एक एक बात, सबसे बड़ी खुशखबरी ये हॉल में है कि मुझे अपना मैच, परफेक्ट मैच फाउंडेशन मिल गया है। मुझे पता चल गया है कि मेरा परफेक्ट स्किन टोन क्या है, मुझे कौन सा फाउंडेशन लगाना चाहिए। इतने सारे पैसे बर्बाद करने के बाद, इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद, इतने सारे पैसे वेस्ट करने के बाद, कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि वेस्ट भी समझ सकते हैं, इन्वेस्ट भी समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने पहली बात तो मुझे फाउंडेशन का शेड पता नहीं था, इसलिए मैंने कई सारे फाउंडेशन मंगाए थे कि कोई तो मैच हो जाएगा। और दूसरी बात, मुझे वीडियो रिव्यू के लिए भी मुझे काफ़ी सारे ब्रांड मंगाने पड़े थे, तो मैंने वो भी मंगाए। हालांकि मैंने वो वेस्ट नहीं होने दिए, जिसकी स्किन टोन पे वो मैच हो रहा था वो मैंने दे दिए। हाँ, एकाद मेरे पास पड़े हुए, लेकिन मैं आज इतनी इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे स्किन का मैचिंग फाउंडेशन मुझे मिल गया। हाँ, लेकिन अभी मेरे स्किन पे कोई फाउंडेशन विंडेशन नहीं है, ये मेरी नेचुरल स्किन है, कुछ भी नहीं है फेस पे। ठीक है, मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है ब्राउन कलर की, बाकी और कुछ भी नहीं। तो चलिए फिर फटाफट से हॉल स्टार्ट करते हैं। इसमें इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे यहाँ जो भी है मेरे लिए बहुत है, बहुत कीमती है, बहुत अपनी पसंद से मंगाई हूँ अपनी ज़रूरत के सारे सामान। बस खाली इसके अंदर जो है ना, ये वाला बेस्ट आइटम है वाव का बॉडी लोशन, जिसके आप लोगों को पता है मैं वाव का कोको बटर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र में से एक मॉइस्चराइज़र है बॉडी बटर, जो कि है वाव का कोको बॉडी कोको बटर। ठीक है, बट ये वाला है चिया बटर एंड कोको बटर मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन, जो कि बॉडी को मॉइस्चराइज रखेगा। और ये पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, इसमें किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इतनी सारी अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद ये मुझे काफ़ी अच्छे ऑफर में मिला है, जो इसकी MRP है उससे बहुत ही ज़्यादा कम दामों में ये मुझे मिला है। तो ये सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसके लिए मुझे ये जब दिखा और ऑफर में दिखा तो मैंने ये ले लिया। हाँ, मेरे पास था, मेरे को मालूम है, लेकिन ये वेस्ट नहीं होगा क्योंकि मॉइस्चराइज़र सिर्फ और सिर्फ ठंडियों में नहीं यूज़ करते, हम लोग नॉर्मल टाइम पे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रहने की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है, ज़रूरत होती है, और मुझे तो काफ़ी होती है क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी स्किन जो है ना हाथों पैरों की बहुत ज़्यादा ड्राई। तो चलिए ये रही बात। उसके साथ साथ मैंने मंगाया है ममा अर्थ का राइस फेस सीरम। जी हाँ, राइस फेस सीरम। मेरे पास फेस वॉश भी है और फेस क्रीम भी है, राइस वाटर का। तो ये राइस फेस सीरम है, देख सकते हैं आप। एक्चुअली जापानीज लोग की जो स्किन होती है, उनकी स्किन का चमकने का राज के पीछे ना ये राइस, वो लोग राइस को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते हैं अपने स्किन केयर के अंदर। और वो सारी चीज़ें अपन भी घर के अंदर कर सकते हैं, बट उतना ताम झाम राइस को भिगा के रखो, उसका पानी ये करो वो करो, कई बार राइस को बॉईल करके जो उसका गंजी वंजी होता है उसको यूज़ करके भी अपनी स्किन बहुत अच्छी होती है, टाइटन अप होती है। बट इतना घर के अंदर ताम झाम करने से बेहतर मैंने सोचा चलो भाई यही मंगा लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। मैंने इस पर इसलिए ट्रस्ट किया क्योंकि इसका फेस वॉश और इसकी क्रीम मैंने यूज़ की है, सीरम मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया, मैंने सोचा चलो तीनों एक साथ में यूज़ करूँगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा स्किन पर, तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया। कोरियन स्किन ग्लास स्किन, मालूम ना कोरियन ही ना, कोरियन लोग की स्किन ग्लास जैसी चमकती होती है, चमचम चमचम, उनकी स्किन के पीछे राज यही रहता है, तो ऐसा। चलिए फिर फाउंडेशन की बात हो रही थी स्टार्टिंग में कि फाउंडेशन में मेरा कितना लॉस हो चुका है, तो मैं आप लोगों को बताऊँ, ये तो मैंने अभी नहीं मंगाया, ये 330 मेरे पास ऑलरेडी पहले से था। मैंने सोचा था ये वीडियो में मैं आप लोगों को स्वैचेस करके बताऊँगी डिफरेंस सारे फाउंडेशन का, बट नहीं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि वो स्वैचेस अगर आप लोगों को चाहिए तो जो भी शेड मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि 330 मेरे पास पहले से था और मैंने इस बार मंगाया 332, ये देखने के लिए कि दोनों में से मेरी स्किन पर कौन सा जाएगा। 332 भी मंगाया और साथ ही साथ मैंने 335 भी मंगाया है, ये देखने के लिए कि मेरे स्किन टोन पे क्या जाएगा, परफेक्ट मैच क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत हो गया। मैंने 800-800 रुपये के, 900-900 रुपये के लॉरियल के भी फाउंडेशन मंगा के देखे, बट मैच ही नहीं होता। तो इस टाइम मैंने सोचा चलो भाई, मैं 500-500 रुपये, मतलब है तो उसकी कीमत ज़्यादा, लेकिन ऑफर में मिला था 550-550 रुपये का पड़ा, तो मैं बोली चल दो मंगा के देखते कुछ तो मैच होएगा। तो मैं सोची थी ये तीनों को लगा के दिखाऊंगी कि आपको मेरी स्किन पर कैसा दिख रहा है, बट फिर मैं सोची ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो वो वीडियो मैं बनाऊंगी, बट बिंदास बोले तो नाजिया पे बनाऊंगी वो वीडियो, कंपैरिजन वीडियो। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल के लिए आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे हिसाब से मेरी स्किन टोन पे 335 मेबेलिन फिट मी बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। ठीक है, और कैसे मैच हो रहा है, एकदम एग्जैक्ट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप लोग मेरे जब वीडियो आएगा ना तो आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज मैं थोड़ा सी लगा के बताती हूँ आप लोगों को।
सो ब्लेंड करेंगे ना तो अच्छे से वो हो जा रहा है। तो चलो वो बाद में ब्लेंड करते हैं। उसके बाद मैं और एक बताती, एक और मैंने मंगाया ईबा हलाल का फाउंडेशन। ये हलाल प्रोडक्ट होते हैं, ईबा हलाल का फाउंडेशन है ये। फुल कवरेज मैट फिनिश स्वेट प्रूफ एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। ये भी काफ़ी अच्छा लगा, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा, बट ये भी थोड़ा सी स्किन में मेरे लाइट है, लाइट है। ये देख सकते हो, कैसे बताओ मैं इधर ही लगा के बताती हूँ, लेकिन ये लाइट इसके मुताबिक ये लाइट है। तो मैं दो तीन फाउंडेशन मंगा दिया इस टाइम, ताकि स्किन पे पता चले मैं इतने महंगे महंगे मेकअप के प्रोडक्ट मंगाती हूँ और मेरा बेस ही ठीक नहीं रहेगा तो मतलब नहीं है ना। मेकअप का मेन जो होता है वो मेकअप का बेस ही होता है। तो चलो इसको थोड़ा सी ब्लेंड करके देखते हैं। ये देखिए मेरी स्किन टोन के लोग जो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर करके पूछ रहे थे ना, नाजिया बाजी आपका स्किन टोन का शेड कौन सा शेड कौन सा शेड कौन सा, तो देखिए ये है मेरा शेड मैबेलिन 335। अभी अगर मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, ये भी स्किन में ना अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है, लेकिन थोड़ा सी लाइट छोड़ रहा है। लाइट देख रहे होंगे आप लोग, है ना। अकॉर्डिंग टू मैबेलिन ये थोड़ा ब्लेंड होने में टाइम लगा रहा है इबा हलाल, बट हलाल प्रोडक्ट है तो इजीली परचेस कर सकते हैं हम, इजीली यूज भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ये काफ़ी दिन से मैंने मंगा के रखा है प्रोडक्ट ना, तो थोड़ी सी धूल चढ़ गई है। ये मार्स का 3-in-1 पैलेट है जिसके अंदर हमें मिल जाता है, ये देखिए पैकिंग भी कितनी अच्छी है। इसके अंदर हमें ब्लशर कॉन्टोर मतलब ब्रॉन्जर और हाइलाइटर तीनों भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अरे वाह, मेरा मिरर ट्राइपॉड सब दिख रहा है। तो जो इसका ब्लशर है ना, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड है, थोड़ा सी लगाने पे भी अच्छे से ये देखिए दिख रहा है सब चीज़ इसकी बहुत पिगमेंटेड है। और प्राइस 200-250 रुपये का कुछ मिला है मुझे, कितना 200-250 रुपये का, इतने कम दामों में इतना अच्छा प्रोडक्ट मुझे देख मिल गया। क्या पिगमेंट है इसकी, इसलिए ज़रा सा लगाना चाहिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया। चलिए खैर, अभी मैं इसका हाइलाइटर बताती हूँ। हाइलाइटर का मैं स्वैच दे देती हूँ और इसका भी मैं बता देती हूँ, क्या बोलते हैं इसको। ये देखिए ये है इसका ब्रॉन्जर, दिखा एकदम ब्राउन ब्राउन दिख रहा, और ये इसका हाइलाइटर, ठीक है। 250 रुपये में और क्या चाहिए, मतलब अपन कोई भी पर्स में कहीं पर भी गए अपन बाहर, तो एक चीज़ कैरी करनी है हमें और सब कुछ हो गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर, तो ये मुझे बहुत बेस्ट लगा। उसके बाद फिर मैं अगर बात करूँ तो उसके बाद मैंने ये मंगाया है जो बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है, ये पाउडर पफ, क्या बोलते हैं उसको, पाउडर स्पॉच, क्या ये आँखों के नीचे ये पाउडर लगाने के लिए। इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा पाउडर है। सेटअप 2 मिला है मुझे, एक सिंगल में ले रहे हो तो लॉस हो रहा है। 175 समथिंग का सिंगल आ रहा था और मुझे 250 रुपये के दो मिल गए, तो ये मुझे फ़ायदेमंद लगा, तो मैंने ये दो का सेट ले लिया, एक ब्लैक और एक वाइट। और देखिए कितना ठीक है ये, कितना मोटा होता है और अच्छी अच्छी क्वालिटी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, एकदम सॉफ्ट है, ठीक है। अगर इसका डिटेल में रिव्यू चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ नहीं बिंदास बोले तो नाजिया, मेरा दूसरा चैनल है, जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद SFR, किसी का कॉमेंट आया था SFR कलर का आई शेडो पैलेट का रिव्यू करो बोल के, मेरे को लास्ट हॉल में कमेंट आया था, तो मैंने इस बार मंगा दिया। एक्चुअली मुझे ना 3-4 पैलेट मंगाने के थे इनके, लेकिन इनकी जो डिलीवरी है ना काफ़ी लेट होती है। मैं आप लोगों को ऑनेस्टली यही बोलूँगी कि इनकी जो डिलीवरी है वो काफ़ी लेट है, अगर आप मंगा रहे हो तो 10 दिन पहले ऑर्डर करो तो 10 दिन के बाद आएगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं मंगाए। बाकी सारे प्रोडक्ट मुझे 1-2 दिन 3 दिन में ऐसे रिसीव हो जा रहे थे, ये पूरा एक हफ्ता लिया ये आने के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं मंगाया पैलेट। लेकिन मुझे उसकी जो क्वालिटी है वो चेक करनी थी, मुझे खुद भी पर्सनली इसकी जो शेड्स, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी थी, ये देख सकते हैं, देख रहे हो। मैं इसका स्वैच देती हूँ आपको, कौन सा कलर उठाऊँ पहले मैं, चलो एक ये लाइट वाला कलर उठाया, एक शिमरी है और एक ये, मेरे हाथ पे पहले से लगा हुआ है ना, देख रहे हो। इसके अलावा और मैं डार्क वाला शेड लेती हूँ थोड़ा सी, ये वाला, ये देखिए मस्टर्ड कलर है और ये है ब्राउन कलर,
एकदम मतलब है ना वो है, क्या बोलते हैं, मस्का है, मस्का मस्का है, सही में मस्का है। अच्छा है प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, बहुत अच्छा लगा। इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। ये देखो शायद है ना कैमरे में इतना खास नहीं दिख रहा जितना अच्छा मेरे हाथ में दिख रहा है। रियल में इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, कैमरे पे इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है। और प्राइस भी बहुत कम है इसका, अफोर्डेबल है। और इसमें एक मिरर भी आता है तो देख सकते हैं। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी। ये भी बैग में डाल लो इसकी तरह, ये जो मैंने बताया काम खत्म, एक साथ दो चीज़ रख लो बैग में, ज़्यादा बड़ा बड़ा पैलेट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। ये शेड नंबर 02 मैंने लिया, इसमें काफ़ी सारे शेड मिल जाएंगे, पर्पल पिंक, मुझे इतने अच्छे अच्छे शेड दिखे थे ना, पर्पल में, पिंक में, ब्लू में, ग्रीन में, मतलब एक पैलेट में एक ही रेंज, मान ली मतलब एक फैमिली के कलर, तो ऐसे कलर ये प्रोवाइड ज़्यादा करते हैं। तो मैंने ये मंगा ली। इसका प्राइस प्राइस कहाँ है भाई, प्राइस तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है इतने इजीली। हाँ इसका जो एक्सपायरी डेट है काफ़ी लंबा है, 2026 तक के चलेगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये पैलेट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद मैंने एक शुगर कॉस्मेटिक का जो है ना काजल मंगवाया है, इंटेंस काजल 03 एक्वा। ये लाइनर आई लाइनर के लिए यूज़ करने के लिए, इससे पहले भी मैंने मंगाया है, पहले वाले हॉल में मैंने ब्लू कलर का मंगाया था, ये थोड़ा ग्रीनिश सा है। ये देखो देख रहे हो, तो ये मैंने मंगाया है। और इसके बाद अरे भाई लग क्यों नहीं रहा, लग गए ठीक है। उसके बाद अरे बेस्ट लिपस्टिक, मेरे को ये पूछना चाहिए, ये वाली लिपस्टिक पूछना चाहिए मैं ये लिपस्टिक आप लोगों को लगा के दिखाना चाहती हूँ क्योंकि तो ये लिपस्टिक है ना मुझे बहुत अच्छी लगी पूरे हॉल में, मतलब पूरे हॉल की जान है ना ये लिपस्टिक है, लिट माय ग्लैम की लिट लिपस्टिक। इसका शेड एक्चुअली ये लगाने के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं लगता हमने मैट लिपस्टिक लगाई है, इतनी ऑसम लिपस्टिक लगी है मुझे, इतनी कि मुझे आज तक की इतनी अच्छी मैट लिपस्टिक कोई भी नहीं लगी, ठीक है, जितनी अच्छी ये लगी है। मैं बताती हूँ आप लोगों को लगा के, इसका शेड भी मुझे बहुत प्यारा लगा। अरे खुल जा भाई तो मैं ये लगाती हूँ थोड़ा सी आप लोगों के सामने, आप लोग बताना शेड कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। डार्क शेड है एकदम, तो ये देखिए ये है इसका शेड। मैं हाथ पे भी एक बार लगा के बताती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। मरून जैसा इसका शेड है, मजेंटा मरून, एकदम डार्क शेड है। और इस शेड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और लगाने के बाद बिल्कुल ड्राई नहीं लगती है। इसको लगाने के पहले कोई लिप्स को मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जैसे ही आया था ना मैंने फर्स्ट डे पे इसको लगा के देखा, मुझे इतनी पसंद आ गई है ना, अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रोडक्ट मंगाऊंगी ना हॉल के लिए तो मैं इसके अंदर 2-3 शेड मंगा लूंगी, क्योंकि मुझे ये इतनी पसंद आई है। मतलब बिल्कुल लिप्स ड्राई नहीं हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के सामने अप्लाई किया, मुंह आड़ा टेढ़ा कर करके बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये देख सकते हैं टिंग टिंग। ऐसे डार्क शेड मुझे बहुत पसंद है, तो जो लोग मुझसे कमेंट करके बोलते हैं ना नाजिया कौन सा शेड लगाया है, इतना डार्क बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो लोग ये लिपस्टिक बिल्कुल अच्छे से बाय कर सकते हैं। जिन लोगों की चॉइस में रहती है ना डार्क लिपस्टिक चाहिए तो वो इजीली ये शेड बाय कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें बहुत सारे शेड है, अगर आप लोगों को दूसरे शेड चाहिए तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक और लिपस्टिक मैंने मंगाई है, ये क्रियॉन है लैक्मे बोल रही स्विस ब्यूटी का। ये भी सेम शेड के आसपास ही आता है, ये देखिए ये थोड़ा लाइट है देख रहे हो, और ये थोड़ा डार्क है, ये मरून में जा रहा है और ये मजेंटा, हाँ मतलब वही समझ रहे हो ना आप लोग, कभी कभी ना मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ऐसा देखिए मैं आप लोगों को एकदम नज़दीक से दिखाने की कोशिश कलर कर रही हूँ कलर, तो आप इजीली देख सकते हैं। ये भी बहुत सॉफ्ट है, ये भी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, चल जाती है लिप्स पे अच्छे से। अच्छा यहाँ पे ना मैंने लैक्मे का लाइनर मंगाया, जो अपना बेसिक लाइनर था ना जो हम जमाने से यूज़ कर रहे हैं लैक्मे का, वो सेट ऑफ 2 मिला है मुझे, वो भी इतना सस्ता मिला है ना, 100 रुपये का एक पड़ा, अदरवाइज 100 रुपये का एक भी नहीं पड़ा यार, इतना 2 मिला है मुझे, बहुत सस्ता, मतलब बाय वन गेट वन के हिसाब में पड़ा हुआ मुझे, मतलब 50% प्राइस पे पड़ा। अगर मैं सिंगल मंगाती थी तो मुझे फुल MRP देना था, पता नहीं दूसरे सेलर से मैंने बाय किया, एक सेलर ये बाय
एक के प्राइस में दो दे रहे थे, मतलब कंपलसरी था कि दो लेना, तो मैंने ये दो ले लिया एक में, और ये एक मैंने ये पैलेट मंगाया रेवोल्यूशन मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का पैलेट है। इसका जो पैलेट है आप देख सकते हो ज़ेब्रा प्रिंट, हाँ देखने में बड़ा क्यूट लग रहा है, बट मेकअप रेवोल्यूशन के शेड्स इतने अच्छे होते हैं, उसका पिगमेंट इतना अच्छा होता है, उसका सब कुछ अच्छा होता है, बस खाली एक ही चीज़ अच्छा नहीं होता है, पैकेजिंग भी बहुत खूबसूरत होती है, बट पैकेजिंग पे ऊपर अगर ट्रांसपेरेंट देना तो पता चलेगा इसके अंदर कौन सा शेड है और ईजी हो जाए लगाना। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी तरफ से ये फीडबैक है रेवोल्यूशन के लिए। तो ये देखिए शेड देखिए इसके अंदर के, मुझे बहुत मतलब मैं देख के खुश हो गई, मुझे ये आधे दाम में मिला, यकीन मानोगे आप मुझे आधे दाम में मिला ये। और रेवोल्यूशन के पिगमेंट की तो कुछ बात ही नहीं है, मैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास ना जाने कितने पैलेट है। तो ऐसे मैं थोड़ा इसको निकाल के बताती हूँ, ग्रीन वाला सबसे पहले मैंने लिया, उसके बाद थोड़ा पिंक वाला लेते, उसके बाद थोड़ा ब्लू वाला लेते, और उसके बाद थोड़ा पर्पल वाला लेते, और उसके बाद थोड़ा हाथ पोंछ लेते ताकि आप लोगों को दिखा सके, क्योंकि हाथ की लगी हुई है बैंड, कहाँ लगाऊँ मैं बताओ, यहाँ करूँ। ये देखिए पर्पल ब्लू पिंक ग्रीन, लॉरियल का पिगमेंट की बात ही अलग होती है, मतलब ब्रांड मेरे को लॉरियल का ना आई शेड पैलेट लिटरली बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने मंगा लिया, और काफ़ी अच्छे ऑफर में मिल रहा था तो मैंने मंगा लिया। इसमें आपको है ना मैट शेड भी देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने टिश्यू लेके बैठी थी इसलिए मुझे मालूम था मेरा हाथ है ना ख़राब होता है। अच्छा अब मैं मैट शेड आपको कहाँ पे शो करूँगी, हाथ में तो जगह ही नहीं बची है। कहाँ पे बताऊँ ये देखिए मैट शेड देख रहे आप लोग। तो ये SFR है, ये अपना रेवोल्यूशन का शिमर आई शेडो है, ये रेवोल्यूशन का मैट आई शेडो है, और ये हमारी लिट की लिपस्टिक है, ये हमारे स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है, ये हमारा स्विस ब्यूटी का काज सॉरी शुगर का काजल है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, नहीं और एक प्रोडक्ट है जो कि मैंने लिपस्टिक के लिए खास मंगाया है। मेरे पास इतनी जगह तो नहीं है लिपस्टिक रखने के लिए, मैं कैसे भी घुसा उठा के रख देती हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है पता है लिपस्टिक समझ में नहीं आती कि कौन सी लिपस्टिक लगाओ भाई, ऐसे पसारा खोजना पड़ता है। तो मैंने एक ये मंगाया है कंटेनर, वैसे तो मेरे पास 24 लिपस्टिक नहीं है उससे ज़्यादा, और ये 24 लिपस्टिक का कंटेनर है, मुझे और मंगाने की ज़रूरत है, बट मैं सोची पहले एक मंगा के देखते हैं क्या ये सही में काम का है और कुछ फ़ायदेमंद होगा मेरे लिए, तो मैंने ये मंगा ली है। तो ऐसा मैं जो चाहिए था ये और ज़्यादा चाहिए था, लेकिन मेरा ड्रॉअर जो है ना वो छोटा है, इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैंने एक ही मंगाया, तो ये भी अच्छा है। तो ये सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। तीन सारे प्रोडक्ट रिकमेंडेबल है मेरे, जैसे कि मेरी वो लिट लिपस्टिक माई ग्लैम की, और ये स्पॉन्ज पाउडर का, और ये सीरम, और ये अपना वाव का मॉइस्चराइजर, और अपना ये का क्या हाँ ये वाला आई शेडो कॉन्टर पैलेट, ये वाला, और ये SFR का आई शेडो पैलेट। तो ये सारे चीज़ें रिकमेंडेबल है, जितने भी प्रोडक्ट मैंने लिए ना मैं दिल से अपने बोलते ना खुश हो गई इस टाइम, मैंने सच में मुझे अपनी ज़रूरत का जेन्युइनली सामान मिला, ठीक है, क्योंकि मैंने इस टाइम घाई नहीं की, मुझे ना मैंने टाइम लेके सामान आने दिया, पूरा 10-12 दिन वेट किया तब जाके मुझे ये सामान रिसीव हुआ है। और SFR का मैं नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करूँगी कि थोड़ा जल्दी ऑर्डर कर दूँ वीडियो बनाने के, तो आप लोगों के साथ मैं और ज़्यादा शेयर कर पाऊँ। अदरवाइज इसमें से कोई भी प्रोडक्ट के डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी डिटेल वीडियो करने की, ठीक है। चलिए फिर अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, बाय।